सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि वहां पर पंडित मोहनलाल शर्मा जी ने 7 बार जीत करके वहां के लोगों की सेवा की है, इलाके का विकास किया है। उनके सुपुत्र अनिल कुमार शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक मौका दिया गया है। और 4 साल से सरकार की जो अच्छी फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं, गुड गवर्नेंस है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता और संगठन में समन्वय है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है जो एक बार जीता है, 3-4 बार हार गया है। तो मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी में जो 8-10 टुकड़ों में अंतर्द्वंद्व चल रहा है सीएम बनने के लिए और अपनी अपनी नई सीट तलाशने के लिए, उसी के एक साजिश के तहत पींचा जी को उम्मीदवार बनाया, क्योंकि राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो है वो चूरू में उनका बहुत खिलाफत है, उनका विरोध है, तो चूरू से वो शिफ्ट करना चाहते हैं। पिछली बार भी उन्होंने चेष्टा की थी, लेकिन पंडित मोहनलाल शर्मा जी ने कहा कि आके बताओ मुझे, यहाँ की जनता की सेवा मैंने की है, राजेंद्र राठौड़ क्या मांगते हैं, तो वो घबरा गए, नहीं गए। अब की बार उनको लग रहा है कि मैं इस उपचुनाव में तो कांग्रेस जीतेगी, जैसा सतीश पूनिया जी और अरुण सिंह जी ने कह दिया कि हम तो उपचुनाव पे दिमाग नहीं लड़ाते हैं, हम तो मुख्य चुनाव में चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक सीट खाली रखने की एक साजिश की, और अशोक कुमार पींचा को इसका जो है वो मैं समझता हूँ कि उम्मीदवार इसी लिए बनाया है। तो ऐसे में उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई अच्छा केंद्र की सरकार का भी कोई काम नहीं हुआ, और यहाँ पर कोई संघर्ष नहीं किया, लोगों की कोई आवाज़ नहीं उठाई, और जो आज केंद्र की मोदी सरकार की वजह से जो महंगाई में लोग पिसते जा रहे हैं, किसान परेशान हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे में लोग सरदार शहर में कांग्रेस पार्टी को मत दे करके जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर मोड़ लगाएंगे।